हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मटन करी दिखाने वाली हूँ जिसे खाने के बाद ना आप रेस्टोरेंट की मटन करी भूल जाओगे। बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी और मटन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए मटन। मैंने यहाँ पे 1 kg मटन ली है और इसको मैंने अच्छे से धो ली है। अभी हम इसको लेकर चलेंगे सीधा गैस की तरफ। गैस पे हमें कढ़ाई में लेंगे तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ली है, कम से कम 5 से 6 बड़े चम्मच जितना। और ये तेल जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाएगी, हम इसमें 2 बड़े चम्मच जितना घी डाल देंगे। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। उसमें है 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 हरी वाली इलायची, 2 जावित्री ली है और आधा जायफल को मैंने तोड़ के ली है। अब इसको ना हम लो फ्लेम पे बस थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आ जानी शुरू हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। अब प्याज मैंने यहाँ पे ना 3 से 4 मीडियम साइज़ की ली थी, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। आप ना काट के भी डाल सकते हो, लेकिन पेस्ट बनाने से ना ग्रेवी का जो टेक्सचर बनेगी, मतलब कि ये वाली रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनेगी। तो हाई फ्लेम पे हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। इसे जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दी है और इसे बस हाई फ्लेम पे आपको कंटिन्यू पकाना है। तो 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट और 1 बड़े चम्मच जितना डाल देंगे हम अदरक का पेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को हम एक ही साथ में पकाएंगे। प्याज के पेस्ट को फ्राई होते होते ही ये जो अदरक और लहसुन का कच्चा सा फ्लेवर होता है वो चली जाएगी। तो हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू पकाएंगे। धीरे धीरे आप देखना दोस्तों, ये ना थोड़े से सूखने लगेंगी, मतलब कि इसमें जो पानी होता है ना वो थोड़े से सूखने लगेंगे। लेकिन हमें ना इसे कंटिन्यू पकाते जाना है, क्योंकि ये ना अगर आप एल्युमिनियम में बना रहे हो तो ये बहुत ही जल्दी चिपक जाएगी। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो दोस्तों कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हो तो मत डालना। थोड़ा सा पानी डाल देना, क्योंकि ये जो मसाले हमने डाले हैं ना ये चिपक सकते हैं। तो इसको ना अब हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक ये सारे मसाले जो है वो तेल नहीं छोड़ देती है। तो मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दी है दोस्तों। अभी हम फ्लेम को कर देंगे लो पे और इसमें हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच जितना काजू का पेस्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली रेसिपी में स्किप मत करना। और ये देखो, ये है दोस्तों खरबूजे का बीज, बहुत ही आसानी से मिल जाती है मार्केट में। अगर मिल जाए तो इसका ना पेस्ट बना के डाल देना, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट मिलता है। तो मैंने भी इसमें डाल दी है 4 बड़े चम्मच जितना। और ये है दोस्तों दही, दही मैंने यहाँ पे डाली है 150 ग्राम जितना। तो अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और दही ना अच्छे से फेंट के डालना। और दही डालते समय ना ये चेक कर लेना कि मसाले ज़्यादा गर्म तो नहीं है, अगर गर्म हुए ना तो ये दही फट जाएगी। तो अच्छे से हम इसको मिला लेंगे, लेकिन लो फ्लेम पे। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये मटन को। ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत ही प्यारा आया है दोस्तों, बाद में ना ये और भी ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल देना मटन के ऊपर से और उसके बाद फ्लेम को मीडियम पे करके आपको इसे कंटिन्यू पकाना है। बहुत ही जल्दी चिपकती है दोस्तों, काजू का पेस्ट डाला है ना, टेस्ट आएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये नीचे से बहुत ज़्यादा चिपकती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, ज़्यादा देर तक इसको ठहरने नहीं देना, बीच बीच में चलाते रहना। तो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको ढक के रख रही हूँ कम से कम 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही। और उसके बाद ढक्कन को खोलेंगे, इसको हम फिर से चलाएंगे। आप देख भी सकते हो तेल छोड़ना स्टार्ट कर दी है अभी से।
तो इस तरह से ना आपको 3 से 4 बार रिपीट करनी है, मतलब कि पकाना है, उसके बाद ढक के रखना है 5 से 7 मिनट, उसके बाद फिर से खोलना है, फिर से चलानी है। आप भी देख सकते हो मैंने ऐसा 3-4 बार की है। तो वो प्रोसेस 3-4 बार रिपीट करने के बाद टेक्सचर कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। आप देख भी सकते हो दोस्तों ग्रेवी का टेक्सचर, इसने तेल छोड़ दी है। तो अभी जाके ना हम इसमें डाल देंगे पानी। ये लगभग पक चुकी है दोस्तों, हमने इसे ढक ढक के पकाया है ना, तो फ्लेवर भी सारा का सारा इसी में है, पक भी चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसे और भी ज़्यादा पकाना है तो ना आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना और ढक के रखना कम से कम 25 मिनट तक। मैंने इसे ढक के रखा है कम से कम 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे, और ये ना बिल्कुल सॉफ्ट होकर रेडी हो चुकी है दोस्तों। इसमें और कुछ नहीं डालनी है, बस सर्व करनी है गर्मा गर्म। मैं तो इसे रोटी के साथ खाने वाली हूँ, लेकिन आप ना इसे किसी के साथ भी खाओ, चाहे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ या फिर राइस के साथ भी ना, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो एक बार ना इसको घर पे ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने वाले मटन करी कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।